मोबाइल सिम कंपनी द्वारा जनता के साथ किया जा रहा है छल। देश की जनता को लूटता देख रही है सरकार। पिछले वक्त मोबाइल सिम कंपनियों ने लाइफ टाइम फ्री सिम कार्ड दिए थे, फिर अब 35 रुपये का चार्ज लेकर 25 रुपये का चार्ज लेकर जनता को लूट रही है सिम कंपनियां। ऐसी कंपनियां बंद करे या ऐसे फैसले वापस ले, ऐसी तकरार महाराष्ट्र युवा मुस्लिम अध्यक्ष जफर खान ने की है। युवा प्रतिष्ठान की ओर से हमने आज तहसील कार्यालय में निवेदन दिया है और निवेदन में हमने तहसीलदार साहब से ये मांग की है कि जो मोबाइल कंपनी है जिन्होंने लाइफ टाइम इनकमिंग सिम बोलकर के दिया था और आज महीने के 35 से 40 रुपए की वसूली कर रहे हैं, ऐसे कंपनियों को बंद करना चाहिए और जो इन लोगों ने वादा किया था वो वादे पर इन्होंने पूरा होना चाहिए। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसी कंपनियों को बंद किया जाए और साथ ही हम हर कार्य राजकारणी लोगों से और हर पार्टी से निवेदन करेंगे कि ऐसे काम जो समाज को धोखा दे रहे हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसे कंपनियों को बंद कराएं। महाराष्ट्र मुस्लिम युवा प्रतिष्ठान से जफर खान, जय हिंद जय भारत।